फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। मेरा फैजेस होंगे, मैं मशरूम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरा फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पेपर है उर्दू का। आप दुआ करिए कि मैं अच्छा रहूँ। ऐसे तो मैंने बहुत अच्छा याद किया है, ऐसे चुटकी बजाऊंगी हो जाएगा। और मेरे सामने खड़ा है रुक रुक मेरा दोस्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह पाक आपकी, आपके बच्चों की सेहत इज्जत ईमान में अपनी खैर बरकत अता फरमाए। ये देखें, ये मरियम बीबी यहाँ पे नाश्ता करते हुए, और हजरत साहब एक लाइट गई भी है, और जनरेटर की इतनी तेज़ तो आवाज़ आ रही होगी आपको, तो जनरेटर जो है ना हर तरफ जनरेटर चल रहा है। और मरियम गर्मी में नाश्ता कर रही है ना। मरियम के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ अभी आगे क्या है हमारे घर के आगे। जो हमें सुबह सुबह हम दोनों एक साथ ऐसे ही कर रहे थे, इतना मजा आ रहा था। इसका नाम मैं रखा है कुकड़ुकू, है ना मम्मा? मैंने इसका नाम कुकड़ुकू रखा है। मैं बोल रहा हूँ अभी सुबह उठा था ना, तो इसलिए मैदान का दाद लेगा मेरे साथ। अब पता तो नहीं आज कर रहा है, अब सर गिरा रहे तो दे। कौन है, कहाँ है? इसके रिएक्शन से देखे कैसे देख रहे हैं। बाय, मैं स्कूल जा रही हूँ। स्कूल जाने के बाद मिलेंगे, मेरे लिए दुआ करना। बाय। यहाँ देखिए, मैं डॉक्टर के रूम के बाहर ना इंतजार में बैठी हुई थी, तो फिर ऐसे ही मैंने मोबाइल निकाल लिया तो देखा सामने ही बिल्कुल पंपलेट लगा हुआ था ना स्पेशल बच्चों के हवाले से, तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। नंबर भी इस पर सही से मैंने वीडियो में लिया है ना, ताकि किसी को अगर रابطہ करना हो तो वो रابطہ कर ले। मैंने पूछा भी ना, जो डॉक्टर के रूम के बाहर था खड़ा हुआ ना उससे, उसने कहा नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा, इस नंबर पर ही रابطہ करना होगा। तो अगर किसी को कुछ रابطہ करना है इस हवाले से तो बिल्कुल रابطہ कर सकते हैं। फिर खैर, दवा लेके मैं घर पहुँच गई। सारी दवाएँ, इतनी सारी दवाएँ, तो फाइनली आज मैं चली गई डॉक्टर को। मैंने दिखाई लिया, इतने अच्छे से तकलीफ थी ना एक महीने से, और कोई ढंग के होम्योपैथिक डॉक्टर मुझे मिल ही रही नहीं थी, तो इसीलिए मैं कल रात जो है ना, कल दोपहर में असल में खड़े होकर मुस्तकिल काम वाम किया और आराम नहीं मिला ना, तो बहुत तकलीफ थी, रात भर सोए नहीं थी। तो माँ ने बोला चले डॉक्टर को दिखा ली, तो जाके इधर ही दिखा लिया मैंने मेमन में डॉक्टर को, साथ साथ इमरजेंसी में एक्सरे भी करवा लिया उन्होंने। देखा ये देखा एक्सरे में, ये दवाएँ लिखी सारी, ये दवाएँ भी कई अभी से मैंने ले ली सर। फिर वहाँ पता किया मरियम का पैम्पर, तो मरियम आपको पता ही ये पैम्पर यूज़ करती है ना कैन बेबी का, तो ये बहुत महंगा वहाँ पे भी 11,050 के कह रहा था। तो फिर ये कदमाबाद पे ही मैंने देखा, तो क्या तो रहा ये अच्छे पैम्पर है। साइज़ तो मैंने मीडियम ही लिया है, अब पता नहीं ये आता या नहीं आता, ये भी चेक करना है। दूसरा फिर इसकी क्वालिटी कैसी है ये भी चेक करना है ना। तो इंशाल्लाह मैं ये मैंने बच्चों के लिए ना कुछ लिया, हमारे साथ में दुकान में लगे थोड़े बहुत सामान ले लूँ। केला लिया, पापड़ बच्चों के लिए लिया। मरियम शाम कर लो जानू, फिर से जोर से बोलिए। हाँ अच्छी मुन्नी बना दूँ आपको। हाँ चलो, अजान भी हो गई है ना, चलिए आप। मेरी अच्छी बच्ची हो गई, मामा तैयार कर दी। हाँ अब कार्टून देखना है। ये क्या देख रही हो? कोक स्टूडियो। अरे वाह, मेरे हर वक्त कोक स्टूडियो देखती। इधर देखो कैसा लग रहा, तैयार हो गया? अच्छा लग रहा है। हाँ
अब भूख लग रही है आपको? नहीं हाँ, मैं जूस बना दूँ केले का? हाँ है ना। हाँ मामा डॉक्टर के पास चली गई थी। हाँ आपके पास नहीं थी? चलो सही है ना। चले मरियम के लिए अब जल्दी से बनाते हैं जूस, ठीक है? चलो चो के लिए थोड़ा सा जूस बना दे। और ये देखे गंदे बर्तन सारे वैसे ही रखे क्योंकि मैं तो थी नहीं घर पे, तो अब शाम हो गई, अब सारे काम करूँगी। और गंदे बर्तन, चूल्हा गंदा पड़ा हुआ है, ये देखे ये सब साफ करूँगी इंशाल्लाह। बस फिर जल्दी जल्दी काम करना है, लाइट जाने से पहले सारे काम हो जाए। यहाँ देखिए अफसा साहिबा मूड ख़राब करके बैठी हुई क्योंकि उसने पेपर में एक पूरा सवाल छोड़ के आई है, तो टेंशन में। बाकी कल इसका इस्लामियात का पेपर है, वो याद कर रही है। खैर मैंने डांटा के खा लो, उसके बाद याद करती रहना। तो यहाँ खा रही है। और अफसा साहिबा मरियम जो है ना, हर वक्त कोक स्टूडियो लगा के रखती है, हर वक्त कॉपीराइट आने का खर्चा रहता है, तो मैंने यहाँ वॉइस बंद ही कर दी है ना। और देखिए पता है क्या हुआ है कल की, आज के ना, अभी मैं जब बैठी हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए तो देख रही हूँ कि पूरी वीडियो बार रबीउल वाली गायब है, जबकि रात में मैंने उसको अच्छे से एडिटिंग करके वॉइस ओवर करके रख दिया था, सिर्फ अपलोड करना रह गया था। अब पता नहीं कहाँ है, बैकअप में पड़ा है नहीं है क्या है, अगर मिल गया तो डालूँगी, नहीं मिला तो बस फिर आपसे माजरत बहुत बहुत। तो अभी तो मेरा मूड सख्त ऑफ हो रहा है, एक तो मेरी तबीयत सही नहीं दवा खाने के बाद, और दूसरा ये कि वीडियो गायब हो गई है। तो अब देखती हूँ किसकी गलती है। ये देखेंगे पेपर अच्छा तो है, मगर ये प्लास्टिक शीट है ना यहाँ पे, वैसे ये पूरा कॉटन है, ये कॉटन है शुक्र है, मगर ये वाला चीज़ ना यहाँ पे प्लास्टिक है, और ये वो चिपकने वाला चिपकने वाला चिप है ना ये। चलो देख लिए, पहना देती हूँ, अब देखती हूँ सुबह पता चलेगा ये कैसा है, क्योंकि ये अमूमन जब जो है ना थोड़ा सा गीला होता है तो ये चिप जो है ना ये हटना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि वेट भी है ना मरियम का, तो इसलिए। अब मैं ले आई थी थोड़ा ट्राई करने के लिए कुछ नया, देखिए ना घर, असल बात ये है कि पैम्पर का खर्च ना अभी सर्दियाँ आएंगी तो बिल्कुल डबल हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं चाह रही थी कुछ नया ट्राई करके देख लूँ। चले देखते हैं, अब ये यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है। वैसे तो ये है शुक्र है कॉटन, वरना अमूमन प्लास्टिक शीट वाला होता है ना तो वो तो और जल्दी, मतलब मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ मरियम के लिए ना, तो मुझे लगता है उससे रैश हो जाता होगा। अब देखते हैं ये कैसा होता है क्या होता है फिर इंशाल्लाह। ये देखिए सबका खाना हो गया, हफ्सा का खाना अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है ना, जल्दी खाओ। हाँ मैं देख रही हूँ दस्तरखान से भी नीचे उतर गई है, गिलास बीच में आ गया है, साइड करो गिलास, प्लेट बीच में करो। और मरियम को देखिए ये खाना खाने के बाद डर चेहरा दिखाओ, कितना पसीना आ रहा है ना। आज हमने सोचा कि चलो भाई ये तो रोज़ का ही हो गया है, तो कब तक रात 12 बजे तक आदमी जागा रहेगा, फिर कोई ढंग से खाना भी नहीं खाता है ना, इसीलिए आज हमने ये किया कि लाइट के जाने के बावजूद हमने फिर भी खाना खा ही लिया फाइनली। और मरियम देखें, आपको दिखा रही कितना ज़्यादा, मरियम उठा के दिखाओ, देखें उफो ये देखें कितना पसीना आ रहा है मरियम को। और मरियम को पंखा तो झलना ही नहीं होता, ये देखें मैंने दिया हुआ है इसको ना कि यूँ इसको झल लो ऐसे ऐसे, मगर नहीं बैठी हुई है ले कर के पकड़ के। अब अल्लाह हाफिज़ कर दो, तो अल्लाह हाफिज़। और केसी वाले को बोलो लाइट दे दो, लाइट दे दो। बताओ कितनी गर्मी लगती है आपको, बताओ जोर से बोलो, डांट के बोलो ना, मुझे बहुत गर्मी लगती है, जल्दी से लाइट दो, बोलो लाइट दे दो जोर से बोलो, ऐसे नहीं ये भी डांट के बोलो ना, मुझे बहुत गर्मी लगती है, मुझे बहुत गर्मी लगती है, हाँ जल्दी से लाइट दे दो, गर्मी से लाइट दे दो।
से बोलो ना। अल्लाह जी को बोल दूंगी गंदे बच्चे लोग। अल्लाह जी को बोल दूंगी गंदे बच्चे लोग। हाँ कौन कौन गंदा बच्चा है, कैसी वाल है? हाँ गंदे बच्चे इधर देखो, शर्म आ जाएगी। बेटी मिली भूलियो क्यों बोलो, चलो मामा पंखा चलेगी। हाँ चलिए सही है। तो आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और दुआ कीजिएगा कि मैं मेरी दवा खाने से तबीयत बेहतर रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अब सभी करेंगे अल्लाह हाफिज़ करो। अब सब अपने नाइट ड्रेस में आ गए लाइट जाने के बाद।